आज दड़े सुपरफाइन, गरगंटी तो माइक्रोफाइन। नमस्कार, आप जो रहा न्यूज 18 गुजराती ने आपनी साथे हूं छु प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत महत्वना समाचार थी करी तो वासरा कांग्रेस धारासभ्य पर हुमलो थयो छे। धारासभ्य अनंत पटेल पर हुमला की घटना सामे आवी, खेरगाम में हुमला की घटना सामे आवी, जेमा बाद लोको मा रोषनो माहौल जोवा मळी रह्यो छे। रात्रे खेरगाम में 5000 थी वधु लोको एकठा थया, लोकोए दुकानों में तोड़फोड़ करीने आग चंपी पण करी नाखी हती। आ धारासभ्य की गाड़ी ना कांच पण तोड़वामां आव्या हता, जेमां धारासभ्य ने माथाना भागे इजा पहोंची छे। आनंद पटेल खेरगामां सरपंच ने मळवा गया हता, ते दरमियान आ घटना बनी हती। घटना बाद मोटी संख्या में लोको एकठा थया अने केटलाक लोको रस्ता पर बेसी गया हता। अने नवसारी ना एसपी सहित नो जे पोलीस काफलो छे ते पण घटना स्थले पहोंची गयो हतो। जो कि आनंद पटेले कह्युं कि कावतरू अने आ प्री प्लानिंग हतुं, अने ज्यां सुधी आरोपीओने पकड़ाय नहीं त्यां सुधी चक्का जाम रहेशे, ते प्रकार निवेदन तेमना द्वारा आपवामां आव्युं छे। हाल तो आज धारासभ्य छे तेमने माथाना भागे इजा पहोंची छे। रात्रे खेरगामां लगभग 5000 थी पण वधु लोको एकठा थया हता, दुकानोमां तोड़फोड़ करवामां आवी हती, आग चंपी करवामां आवी हती। त्यारे धारासभ्य अनंत पटेल पर आ हुमलानी घटना सामे आवी छे। अनंत पटेल वासदाना कांग्रेसना धारासभ्य छे, जेमने पर रात्रे आ हुमलो करवामां आव्यो। धारासभ्य ने माथाना भागे इजा पहोंची छे, लगभग 5000 थी पण वधु लोको एकठा थई गया हता, दुकानों में आग चंपी करवामां आवी छे, अने साथे ज वात करी दुकानों में तोड़फोड़ करवामां आवी छे। अत्यारे जे प्रकारे वात करीए, जे धारासभ्य छे तेमने इजा पहोंची छे, माथाना भागे तेमने इजा पहोंची छे, अने अत्यारे तेमने जे प्रकारे निवेदन आप्युं छे, तेमने कह्युं छे कि आ प्री प्लानिंग हतुं अने ज्यां सुधी आरोपीओ नहीं पकड़ाय त्यां सुधी चक्का जाम रहेशे। आ प्रकारे जे निवेदन छे ते आनंद पटेल द्वारा आपवामां आव्युं छे। तेमनी पर जे हुमलो थयो छे ते हुमलाने लईने तेमने कह्युं छे कि आ प्री प्लानिंग हतुं, पहेलाथी ज आ कावतरू करायुं हतुं अने ત્યારબાદ મારી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, જ્યાં સુધી આરોપીઓને પકડવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ચક્કા જામ રહેશે, તે પ્રકારે નિવેદન તેમના દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે। તો વાંસદાના ધારાસભ્ય છે અનંત પટેલ, કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય છે, અને તેમની પર હુમલાની આ ઘટના બનાવી છે। સાથે જ હુમલાની ઘટના બની ત્યારબાદ લોકોમાં રોષનો માહોલ ફેલાયો છે। ગાડીમાંથી ઉતરવા કીધું, મેં ન ઉતર્યો એટલે બધા કાચ તોડી નાખ્યા, અને મને કોઈ પણ ભોગે ને કોઈ પણ સંજોગે મારી જ નાખશું। આદિવાસી જોઈએ જ નહીં, આદિવાસી ચોર છે, આદિવાસીના અપશબ્દ બોલવામાં આવ્યા, અને મને ગમે તે રીતે માર માર્યો, અને કોઈ પણ હિસાબે તું જીવતો નહીં જઈ શકે એમ કરીને જાનથી મારી નાખવાની બધી તૈયારી હતી। અરે હવે વાત કરીએ મોદીના શંખનાદ પર।